खबर देहरादून से, जहां R9 टीवी की खबर पर सीएम रावत ने मुहर लगाई। 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है। यात्रा का स्वरूप शासन के अधिकारी तय करेंगे। तो आपको बता दें कि कपाट तो खुल गए काफी वक्त पहले, लेकिन लोगों को लेकर ये कहा जा रहा था कि अभी यात्रा नहीं की जाएगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अजीत कांबोज का। तो अजीत, क्या अब यानी कि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वहां जा पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे? तो ये अब तक की बड़ी खबर है कि चारधाम यात्रा को 1 जुलाई से विधिवत संचालित करने का फैसला राज्य सरकार ने किया है और खुद इस बात की पुष्टि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। बीते रोज R9 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था कि सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा गया है कि 1 जुलाई से यात्रा का संचालन किया जाए, और इस बात को पर खुद आज मुख्यमंत्री रावत ने मोहर लगा दी है कि कैसे 1 तारीख से यात्रा का संचालन होगा। हालांकि सीमित संख्या और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर किया जाएगा, जिसके लिए SOP है वो शासन स्तर के अधिकारी तय करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेशवासियों के लिए 1 जुलाई से चारधाम यात्रा खोली जा रही है। जी, क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं हो सकती है और कैसे इसका स्वरूप तय किया जाएगा? क्या कुछ अभी तक तारीख तय की गई है, वक्त तय किया गया है? क्योंकि 1 जुलाई से कहा जा रहा है कि शायद जो विधिवत संचालन है वो यहाँ पर शुरू हो जाए, तो तैयारी यहाँ पर की जा रही है क्या उसको लेकर अभी? बिल्कुल, अभी तक के जो नियम SOP बनाई गई है चारधाम यात्रा को लेकर, उसमें साफ तौर पर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक का जो राज्य सरकार ने एक समय तय किया है, उसी समय के भीतर ही यात्रा का संचालन अभी तक किया जा रहा है। और इसमें 2-2 गज की दूरी का कड़ा नियम यहाँ पर रखा गया है कि जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए अभी पहुंच रहे हैं जिला स्तर के, वो 2-2 गज की दूरी रखेंगे और एक संख्या उनकी फिक्स की गई है। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री रावत ने इस बात की पुष्टि की है कि 1 जुलाई से प्रदेशवासियों के लिए यात्रा को खोला जाएगा, तो इसका स्वरूप कैसा होगा, समय सीमा कैसी रहेगी और कितने लोग एक दिन में दर्शन कर पाएंगे, इसको लेकर शासन स्तर पर आज या कल में बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन या अनलॉक 1 के बाद के जो भी नियम कानून है उनका पालन किया जाएगा, लेकिन यात्रियों को वहां जाने, यानी कि जो भी नियम है उन नियम कायदों के साथ ही यहाँ पर संचालन हो पाएगा। धन्यवाद आपका जी, तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए।